दोस्तों मैं हूं सौरभ दास अधिकारी और आज हम बनाएंगे सावर डो ब्रेड। ये जो ब्रेड है काफी ज्यादा पॉपुलर चल रहा है, यूट्यूब पकड़े या इंस्टाग्राम पकड़े, कोविड के टाइम में लोगों ने ये ब्रेड बना ही डाला। तो मैंने सोचा चलिए आपको भी ये रेसिपी बता देता हूं। ये ब्रेड की जो कहानी है वो काफी पुरानी है। इतिहास के पन्नों में देखें तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन में इस टाइप के ब्रेड का जिक्र है। अब टेस्ट की बात करते हैं। ये ब्रेड थोड़ा खट्टा होता है और टेक्सचर थोड़ा चूई होता है, और इस खट्टेपन और टेक्सचर का राज है सावर डो ईस्ट या सावर डो स्टार्टर। ये एक नेचुरल ईस्ट है। इस ईस्ट की रेसिपी भी मैंने यूट्यूब में डाली है। अब सावर डो ब्रेड स्टार्टर में भी अच्छा लगता है। ऑलिव ऑयल, सॉल्ट एंड पेपर थोड़ा छिड़क दीजिए, मजेदार लगता है। या आप इसको सैंडविच की तरह भी खा सकते हैं, काफी पॉपुलर है उस तरह से। तो चलिए बनाते हैं ये लाजवाब ब्रेड। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं इंग्रेडिएंट से। तो सावर डो ब्रेड बनाने के लिए आपको चाहिए चार ही इंग्रेडिएंट। पहला आटा या मैदा, दूसरा नमक, तीसरा पानी और चौथा ईस्ट। मेरा जो रेसिपी है उससे दो ब्रेड लोफ्स बनते हैं। इस रेसिपी के लिए चाहिए 150 ग्राम व्हीट फ्लावर, 850 ग्राम ब्रेड फ्लावर, इसकी जगह पे आप ऑल पर्पज फ्लावर या मैदा भी यूज कर सकते हैं, 20 ग्राम नमक, करीब 700 ग्राम पानी या 700 ml पानी, और ईस्ट जिसका हम 30 ग्राम यूज करेंगे। तो मेरे ब्रेड का हाइड्रेशन लेवल है 70%। हाइड्रेशन लेवल जो वर्ड है वो बेकर्स लैंग्वेज में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रेड बेकिंग के लिए। तो हाइड्रेशन लेवल का डेफिनेशन है, पानी का जो वजन है वो आटे का वजन का 70% है मेरे रेसिपी में। जैसा जैसा हाइड्रेशन लेवल बढ़ते जाता है आपका ब्रेड ज्यादा पोरस होता है, तो बड़े बड़े होल्स होते हैं और ज्यादा फूलता है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट प्रोसेस लेवेन बनाने से, जो इसका मतलब है ईस्ट को और ज्यादा एक्टिवेट करते हैं। तो अभी फर्स्ट स्टेप है लेवेन बनाना। लेवेन के लिए मैंने लिया है एक जार लिया है, मेसन जार है, आप कोई भी जार ले सकते हैं। अब इसमें हमको ऐड करना है करीबन 30 ग्राम स्टार्टर। तो देखिए, पहले दिखा देता हूँ स्टार्टर कैसे बबली बना है, और इसको मैंने कल रात को फीड किया था तो काफी ज्यादा एक्टिव है। अब उसमें ऐड कर रहा हूं मैं 30 ग्राम व्हीट फ्लावर, और फाइनली ऐड कर रहा हूं 30 ग्राम ब्रेड फ्लावर। इसमें ऐड करता हूं मैं 70 ग्राम पानी या 70 ml पानी, और इसको मैं अच्छी तरह से मिला देता हूं। बस अब इस लेवन का करीब हम यूज करेंगे 100 ग्राम, ये लेवन करीब 130 ग्राम का है। तो इसको मैं रूम टेम्परेचर में 2 घंटे के करीब छोड़ देता हूँ, और ये काफ़ी राइज होना चाहिए और बबली हो जाना चाहिए। अगर थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे तो ज़्यादा टाइम यूज़ कीजिए। तो और 2 घंटे हो चुके हैं और अभी भी जो लेवेन है वो राइज हो रहा है, तो और 1 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा। तो उस 1 घंटे में मैं नेक्स्ट प्रोसेस चालू कर देता हूँ, वो है ऑटोलीस। ऑटोलीस का जो प्रोसेस है उसमें आटा और पानी मिला के छोड़ देते हैं 1 घंटा, उससे ग्लूटेन डेवलप होता है। तो मैं इसमें डाल रहा हूँ करीब 800 ग्राम व्हाइट ब्रेड फ्लावर और करीब 100 ग्राम व्हीट ब्रेड फ्लावर, तो ये टोटल हुआ 900 ग्राम। और इसमें डालना है 570 ग्राम रूम टेम्परेचर में पानी। बस अभी ये 570 ग्राम या 570 ml जो पानी है मिलाने के बाद इसको अच्छी तरह से मिला देता हूँ। बस मिलाना है, इसको नीड नहीं करना है।
बस पानी और आटा अच्छी तरह से मिल गया है। अभी इसको मैं कवर करके किसी वार्म जगह पे एक घंटे के लिए छोड़ देता हूँ। अभी एक घंटा हो चुका है, तो ये जो आटा है ऑटोलीस के बाद थोड़ा स्टेबल हो चुका है। और देखिए ये जो ईस्ट है कैसे बबली हो गया है। तो अभी मैं ईस्ट का कभी करीब 100 ग्राम निकालता हूँ। अभी मैं ईस्ट को थोड़ा अच्छी तरह से ऐसे स्प्रेड कर देता हूँ इसके ऊपर, और ऊपर थोड़ा ये करीब 50 ग्राम पानी है वो डाल देता हूँ। अभी हाथ गीले करके ऐसे डिंपल करता हूँ मैं, जैसे ईस्ट अच्छी तरह मिल जाए। और उसके बाद इसे हाथ लेके नीचे से इसे फोल्ड करता हूँ। इसे फोल्ड किया, बस अभी इसको कवर करके 20 मिनट छोड़ देता हूँ। तो 20 मिनट हो चुके हैं और मैं इसमें डाल रहा हूँ 20 ग्राम नमक। उसके बाद हाथ को थोड़ा से पानी में भिगा के, थोड़ा सा पानी ऐसे डाल के उसमें फिर से ऐसे डिंपल्स कर देना है, जैसे नमक ठीक से मिल जाए। इसको फोल्ड कर देना है। अभी इसको मैं और 20 मिनट के लिए कवर करके रख देता हूँ। तो अभी 20 मिनट हो चुके हैं और देखिए कितना पानी है इसमें। तो मैं थोड़ा हाथ गीला कर रहा हूँ डो को छूने से पहले, और एक बेंच स्क्रेपर यूज़ कर रहा हूँ मैं डो को निकालने के लिए। अब ये जो टेक्निक है इसको बोलते हैं स्लैप एंड फोल्ड। इसमें ऐसे बीच से उठाना होता है, ऐसे फोल्ड करना होता है, और सेम प्रोसेस रिपीट करना होता है। उससे क्या होता है, जो डो है उसमें स्ट्रेंथ डेवलप होता है। देखिए कैसे ये स्ट्रेंथ डेवलप हो रहा है इसमें, और थोड़ा टाइम करता हूँ मैं इसको। तो अभी मैं इसको फिर से 15 मिनट बाद स्ट्रेच एंड फोल्ड करेंगे। तो इसको मैं इस बोल में फिर से ट्रांसफर कर देता हूँ, कवर करके रख देता हूँ। अभी हम शुरू करते हैं स्ट्रेच एंड फोल्ड करना। ये जो टेक्निक है हम पहले 3 बार करेंगे 20 मिनट के इंटरवल्स में, और उसके बाद 3 मिनट करेंगे 30 मिनट के इंटरवल्स में। तो मैं टेक्निक बता देता हूँ। तो हाथ ऐसे वेट कर देना है, थोड़ा पानी लगाना है, और फिर ऐसे नीचे से ये टो को जितना खींच सके खींचिए, और एक साइड में ऐसे डाल दीजिए। फिर डो को खींचना है जितना खींच सकते हैं, टूटना नहीं चाहिए, और दूसरे साइड में लगाते हैं। अभी इसको कवर करके 20 मिनट के लिए छोड़ देता हूं, और वही प्रोसेस रिपीट करते जाएंगे। बस तो सारे फोल्ड्स हो चुके हैं। अभी इसको कवर करके 2 घंटे किसी गर्म जगह पे रख देता हूँ। 2 घंटे हो चुके हैं और बल्क राइस हो चुका है, तो दिखाता हूँ। देखिए कैसा बबली बना है। तो अभी इसे हम सरफेस पे निकाल देंगे। अब क्या करना है कि इसको ऐसे हाफ काटना है। तो थोड़ा पानी लेना है और बेंच स्क्रेपर में थोड़ा सा पानी लगा देना है, और अंदाजे से हाफ काटना है। बस कट गया। अभी इसको प्री शेपिंग करते हैं। तो प्री शेपिंग का मतलब होता है कि इसको हम घुमा घुमा के शेप देंगे। तो ऐसे इस स्क्रेपर को अंदर
और अपनी तरफ खींचना है। उससे क्या होता है, ये सरफेस पे टेंशन बनता है। बस हो गया। अभी मैं इन दोनों को करीब 15 मिनट एक डैम टॉवल से कवर करके छोड़ देता हूँ। तो जब तक डो प्री शेप हो रहा है और थोड़ा रेस्ट कर रहा है, मैं दो बोल लिए हैं जो ब्रेड को प्रूफ करने के लिए। तो एक है बैनेटन, ये एक वुड का ऐसा बोल होता है जिसमें ब्रेड प्रूफिंग किया जाता है। आपके पास अगर ये नहीं है तो और कोई भी बोल ले सकते हैं। मैंने एक पायरेक्स का बोल लिया है, इसमें मैं एक टी क्लॉथ लाइन कर रहा हूँ। बस लाइन कर दिया। अभी इन दोनों में डस्टिंग कर रहे हैं और डस्टिंग करने के लिए राइस फ्लावर यूज कर रहा हूँ मैं। तो अच्छी तरह से डस्ट हो गया है। अभी प्री शेपिंग का जो बेंच रेस्ट है वो खत्म होने तक वेट करते हैं और उसके बाद फाइनल शेपिंग करते हैं। अभी 15 मिनट हो चुके हैं और बेंच रेस्ट हो चुका है। तो ये टॉवल को मैं निकाल के साइड रख देता हूँ। फाइनल शेपिंग करने के लिए पहले मैं अच्छी तरह से फ्लावर डाल देता हूँ ऊपर। अभी साइड साइड में थोड़ा डाल देता हूँ, जैसे जब हम स्क्रेपर डालेंगे तब ईजी होगा निकालने के लिए। स्क्रेपर में भी थोड़ा लगा देता हूँ। अभी इसका टेक्निक है ऐसे जर्क वाले मोशन देने। अब इसको पलट देना है, ऐसे लेके पलट दिया। अभी इसको हम फोल्ड करते हैं। तो इसका मेथड है ऐसे खींच के सेंटर तक, उसके बाद यहां से खींच के इसके इस तरफ, यहां से खींच के यहां तक, और फाइनली यहां से खींच के ऐसे रोल कर देना है नीचे तक और इसको सील कर देना है ऐसे। एक तैयार हो गया। अभी सेम प्रोसेस इससे भी करते हैं। ये तैयार हो गया। अभी इसको बैनेटन में डालते हैं। ये बैनेटन तैयार है। ऐसे हाथ पे लेंगे और इसका जो नीचे वाला साइड है वो ऊपर की तरफ फेस करेगा। तो ऐसे हाथ पे लिया और ऐसे करके धीरे से रोल कर दिया। बस ये सेटल हो गया। यहाँ पे जो खुले हुए पोर्शन है उसको टाई कर देना है। तो दोनों हाथ से इसे टाई कर रहा हूँ मैं। बस ये टाई हो गया। अभी सेम, अभी मैं और थोड़ा डस्टिंग कर देता हूँ ऊपर से। अभी इसको, इन दोनों को मैं एक डैम्प क्लॉथ से कवर करके रख देता हूँ। अभी मैं इसे कवर करके फ्रिज में रख देता हूँ। 12 से 16 घंटे के बाद मैं इसको बेक करूँगा। तो सावरडो बेक करने के लिए मैं दो तरीके यूज करूँगा। पहला है डच ओवन और दूसरा है पिज्जा स्टोन। तो ये जो डच ओवन है ये ट्रेडिशनल फॉर्म है, तो दिखा देता हूँ मैं। तो उसमें दो सेक्शन होते हैं, एक पैन होता है और एक ऐसा डीप वेसल होता है। तो जो डो है वो इसमें रखेंगे और 20 मिनट तक इस पैन से कवर करके पकाएंगे और 20 मिनट के बाद इसको निकाल लेंगे और खुले में ब्रेड पकाएंगे। उससे क्या होता है कि जो मॉइस्चर है वो डच ओवन में ट्रैप होके रह जाता है, जिससे अच्छा ओवन स्प्रिंग आता है। और दूसरा जो टेक्निक है वो है पिज्जा स्टोन का। तो जो पिज्जा स्टोन है वो एक पत्थर का बना हुआ है, इस पे मैं डो को ऐसे ही रख दूंगा और पिज्जा स्टोन के नीचे ओवन में एक पैन रखूंगा जिसमें मैं बॉइलिंग वाटर डालूंगा, उससे पूरे ओवन में मॉइस्चर हो जाता है। अब सिलेक्ट करने की बारी आएगी तो मैं डच ओवन को हर टाइम प्रेफर करूंगा, बिकॉज इससे ज्यादा ओवन स्प्रिंग मिलता है। पिज्जा स्टोन से ओके ओवन स्प्रिंग मिलता है।
चलिए शुरू करते हैं बेक करना। तो अभी 12 घंटे हो चुके हैं और मैंने जो बैरेटन था वो फ्रिज से निकाल लिया है। अभी मैंने ओवन करीब 1 घंटे से मैं गर्म करने के लिए लगा चुका हूँ। तो ओवन 500 डिग्री फ़ारेनहाइट या 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखना है। तो अभी मैंने उसके बाद मैंने एक ऐसे पार्चमेंट पेपर लिया जिसमें ऐसे कट कर दिया। मैं ये डो को इस बैनेटन से निकाल के इस पे पलटता हूँ धीरे से। तो देखिए डो कैसा फूला हुआ है, ये छोटे छोटे बबल्स हैं। तो मैं इसे धीरे से पलटता हूँ, इसे रखा और पलट दिया। तो देखिए ये जो राइस फ्लावर था वो बाहर है, तो एक्सेस फ्लावर निकाल देता हूँ मैं। बस अभी इस पे डिजाइन करते हैं। डिजाइन करने के लिए आप अपने हिसाब से कोई भी डिजाइन की, ये मैंने ब्लेड लिया और ब्लेड से थोड़े थोड़े ऐसे कट्स बनाएंगे। अभी मैं इसको यहाँ से साइड से इससे काटूंगा, इसको बोलते हैं ब्रेड लेम। तो इससे मैं ऐसे स्लिट करूंगा, तो मैं करता हूँ और स्विफ्ट करना है, उसे पकड़ना है, ऐसे एंगल में रखना है और ऐसे काट देना है। बस कट गया। अभी इसको साइड में रख के मैं जाता हूँ अपना डच ओवन निकालने। तो इसको प्लेस किया, थोड़ा पानी स्प्रे किया ऊपर, और ये जो कवर है लिड काफी गर्म है तो संभाल के इसको ऐसे ऊपर रख दिया। अब इसको मैं डाल देता हूँ ओवन में। बस बंद हो गया। तो अभी इसको बेक करूंगा कवर्ड 20 मिनट और उसके बाद इसको निकाल के मैं बेक करूंगा और 20 मिनट जो ऊपर वाला कवर है इसको खोल के। देखिए कितना मस्त बना है ब्रेड। तो इसको मैं अभी एक रैक पे ठंडा करने के लिए कुछ टाइम के लिए छोड़ देता हूँ। बस अभी मैं दूसरे प्रोसेस से जो दूसरा वाला लोफ है उसको बनाना शुरू करता हूँ। मैंने एक बोल में, एक पैन में पानी गर्म करके बॉइलिंग वाटर रखा है और इसको, इस पार्चमेंट पेपर को मैं एक पिज्जा स्टोर में प्लेस करूंगा और 500 फ़ारेनहाइट पे इसको बेक करता हूँ। तो अभी 40 मिनट हो चुके हैं, ये ब्रेड तो ठंडा हो गया, अब दूसरा ब्रेड निकाल देते हैं ओवन से। देखिए क्या मस्त कलर आया है इसमें। तो ये जो ब्रेड है इसमें मैंने जो चीरा लगाया था यहाँ पे, जो स्कोरिंग किया था, ये ज़्यादा उठा नहीं क्योंकि जो स्टीम था वो कम हो गया था। अगर स्टीम ज़्यादा रहता है तो ऐसा मस्त एक्सपैंड करता है। तो इसको भी ठंडा करने के लिए लगा देता हूँ। टेस्ट वाइज दोनों ही सेम लगेंगे। तो दोनों ब्रेड ठंडे हो चुके हैं, देखिए कितना मस्त बना है। तो मैं इसे काट के दिखाता हूँ अंदर से कैसा दिखता है। तो इस ब्रेड को काटने के लिए मैं एक ब्रेड नाइफ यूज कर रहा हूं। देखिए क्या मस्त बना है, कैसे होल्स है इसमें, पोरस है काफी। तो ये थी हमारी रेसिपी सावर डो ब्रेड की। बनाइए और बताइए कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में। और हाँ, अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिएगा। तो इस रेसिपी के देता हूं आपको कुछ टिप्स। पहला टिप है हाइड्रेशन। इस ब्रेड में मैंने 70% हाइड्रेशन रखा है। आप हाइड्रेशन बढ़ा भी सकते हैं, 80-85% भी कर सकते हैं। हाइड्रेशन बढ़ाने से ब्रेड के अंदर जो पोर्स बनते हैं वो बड़े बड़े बनते हैं।
बट हाइड्रेशन बढ़ाने से एक दिक्कत भी आती है, वो है ब्रेड डो को हैंडल करना। तो अगर आप हायर हाइड्रेशन डो को अच्छी तरह से शेप नहीं करेंगे तो डो आपका ब्रेड फ्लैट बनेगा। तो आप अगर सावर डो ब्रेड शुरू कर रहे हैं बनाना तो हाइड्रेशन लेवल 70% के करीब रखिएगा। दूसरा टिप है बेकिंग टेम्परेचर। इसको मैं पहले डालता हूं 200 करीब 20 मिनट 500 फ़ारेनहाइट पे और नेक्स्ट 20 मिनट करीब 425 फ़ारेनहाइट पे जो 200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये जो 500 फ़ारेनहाइट या 260 डिग्री वाला टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डो अंदर डालते ही ओवन के वो फूलना चालू करता है और अगर आप कम टेम्परेचर में डालेंगे तो वो ज्यादा फूलता नहीं है। इसको बोलते हैं ओवन स्प्रिंग। कम टेम्परेचर कम ओवन स्प्रिंग, ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा ओवन स्प्रिंग। और तीसरा टिप है इसका जो डस्टिंग करते हैं डो को प्रूफिंग के टाइम, वो मैं राइस फ्लावर से कर रहा हूं। आप मैदा, कॉर्नफ्लावर, कॉर्न स्टार्च या सूजी भी यूज कर सकते हैं। तो होपफुली ये टिप्स आपके काम आएंगे।